Hello students, this is third part of the chapter 6, Running the Country. So in the previous video, I have explained you about the government, state government, state central government, and why there is required of states and union territories. So आज मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाने वाली हूँ जो आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं किया गया है. Okay, as you will see in your book that you have got the United States and only 7 union territories. बहुत पहले जो थे बिफोर 5th August 2019, इस टाइम क्या हुआ था, दैट टाइम जम्मू एंड कश्मीर जो थे वो दैट वाज आल्सो आवर स्टेट, वो भी स्टेट में आते थे. ओके, उसको कोई मीन्स उसको यूनियन टेरिटरीज में नहीं बना गया था बिफोर दैट. ओके, इंडिया हैड यूनियन स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट आफ्टर 5th अगस्त. ओके, उसके बाद क्या हुआ है, जो जम्मू एंड कश्मीर हैज आल्सो कम अंडर यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज कौन रूल करता है, इसके यूनियन टेरिटरीज इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दिस टू हैज बिकम यूनियन टेरिटरीज इन 31st अक्टूबर 2019. अंडरस्टूड? सो अभी जो है, अभी का फिलहाल का स्टेट जो है, वी हैव गॉट 28 स्टेट Union states and 9 union territories. Okay, so I think this is very much clear for you. क्योंकि ये book में mention नहीं किया गया था, इसलिए I am telling you it again. Okay.